नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को, तमाम विज्ञापनदाताओं को, तमाम चाहने वालों को, तमाम हमारे दिल में बसने वालों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। साथ ही साथ हमारे पुलिस कप्तान डॉक्टर सुरेश सुमन, जिलाधिकारी राकेश कुमार, SDPO झाझा राजेश कुमार समेत तमाम SDPO, तमाम SHO, झाझा के स्पेशल थाना अध्यक्ष राजेश शरण को भी वीरेंद्र कुमार एवं पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। जिस तरह आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है, डूबा हुआ है, वैसे में आज झाझा के भी कई हस्तियाँ, कई संस्थान पे आज तिरंगा शान से लहराया। जिस प्रकार आप देख पा रहे राष्ट्रीय ध्वज को, जहाँ थाना अध्यक्ष ने सलामी दी, SDPO राजेश कुमार ने सलामी दी, BDO ने सलामी दी, ब्लॉक प्रमुख ने सलामी दी, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष, मंत्री दोनों ने, तमाम संस्थान, जो भी संस्थान के प्रधान थे, सभी ने सलामी दी। यह हो भी क्यों ना, क्योंकि यह पर्व भी एक अनूठा पर्व है। आज ही के दिन 1950 में हमारा भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, आज उसी संविधान से सरकारें चलती। एक और दुखद बात कहेंगे, कुछ अधिकारी जो खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं, उनको नहीं पता है कि ये देश, ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ संविधान के बदौलत चलते हैं, ना कि अधिकारियों के तानाशाही के बदौलत। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। एक और दुख भरा समाचार बताना चाहते हैं दर्शकों, हमारे तमाम मनबल दर्शकों को, कि झाझा के SHO राजेश शरण का तबादला हो गया है, उनका ट्रांसफर वैशाली हुआ। हालांकि वो अभी बिरमित नहीं हुए, लेकिन संभवतः झाझा के इतिहास में कई थाना अध्यक्षों के बाद राजेश शरण ऐसा थाना अध्यक्ष है जो उनको आज बच्चा बच्चा जानता है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया। इनका एक और खूबसूरत तोहफा जो झाझा की धरती को मिला है, वो है झाझा में गौशाला में प्रदत्त गायों की। आपको याद होगा जो गौशाला बरसों से मृत पर आई थी, आज राजेश शरण द्वारा पकड़ी गई गायों से आज गौशाला गुलजार हो रही है। हालांकि उनका अभी विदाई समारोह नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से राजेश शरण की आज आंखें छलछला आई, कहीं ना कहीं ये प्यार ही दर्शाता है। देखिएगा संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की स्पेशल 26 जनवरी की ये खास रिपोर्ट। देंगे क्या कुछ कहेंगे जी, आज के इस महान दिवस पर हम तमाम झाझा के व्यवसायियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अपार शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ अपने तमाम व्यापारियों से एक आगाज करते हैं कि आप अपने व्यापार को एकदम भयमुक्त वातावरण में व्यापार कीजिए। सारा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रखिए। साथ ही साथ आज हमारा संगठन, अभी हमारे छोटे भाई ने भी कहा था, एक लंबे समय से देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमेशा तैयार होते हैं, तैयार रहते हैं। और इसी गर्म जोशी के साथ हम अपने तमाम व्यापारियों को फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अपार शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। धन्यवाद। 75वां गणतंत्र दिवस खुदरा व्यापार संघ लगातार अनवरत मनाते आ रहा, झाझा प्रशासन भी आके झंडे को सलामी दी, क्या कहेंगे मंत्री जी? देखिए 1979 में हमारा संघ का गठन हुआ था, उस समय से लगातार 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम लोग कार्यालय में झंडोत्तोलन करते हैं और लगभग 450 व्यापारियों की उपस्थिति में झाझा प्रशासन के परेड के साथ यहां झंडोत्तोलन होता है। इसके लिए हम झाझा प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अपना कीमती समय यहां निकालते हैं। तुम करे ना आज असे सलूट सलामे सास भारत दयाहे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तू चल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष। बिहार अपना प्रियंता भाषण झाझा के प्रांगण में तमाम व्यापारियों
हमारे जवान थाना सेक्टर महोदय साथ में उनकी पूरी टीम देश सलोट सलाम है सास मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय अब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि जन गण मन अधिनायक जय जब कराने का टाइम होगा तो 28 हुआ सर दो मिनट जी सर जय जय राष्ट्रीय अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब Thank you.